मैं आरसी यादव, एसोसिएट प्रोफेसर, गवर्नमेंट कॉलेज निमका थाना। आज अपन पृथ्वी पर चलने वाली स्थायी हवाएं, वायुदाब की पेटियां और हवाओं के बीच में क्या संबंध पाए जाते हैं, उनके बारे में अपन सामान्य जानकारी देंगे। वायुदाब हवाएं पृथ्वी पर, समस्त पृथ्वी पर हवाएं चलती हैं। अब ये हवाएं क्यों चलती हैं, कैसे चलती हैं और कितनी प्रकार की होती हैं, उनके बारे में आज सामान्य जानकारी है। इस पृथ्वी पर, समस्त पृथ्वी पर सूर्य की किरणें एक समान रूप से नहीं गिरती, ये पृथ्वी है। इस पृथ्वी पर सूर्य की किरणें एक समान रूप से नहीं गिरती। कुछ प्रदेश ऐसे हैं जहाँ पे सूर्य की किरणें सीधी गिरती हैं, जिनको भूमध्य रेखीय प्रदेश कहते हैं, और कुछ प्रदेश ऐसे हैं जहाँ पे सूर्य की किरणें तिरछी गिरती हैं, ये ध्रुवीय प्रदेश का है। तो जिन प्रदेशों में सूर्य की किरणें सीधी गिरती हैं वहाँ पे तापमान ज़्यादा पाया जाता है, और जिन क्षेत्रों में सूर्य की किरणें तिरछी गिरती हैं वहाँ पे तापमान कम पाया जाता है। जैसे ध्रुवीय प्रदेश जहाँ पे सूर्य की किरणें बहुत तिरछी गिरती हैं, इस कारण वहाँ पे तापमान बहुत ही कम होता है, और भूमध्य रेखीय प्रदेश जहाँ पे सूर्य की किरणें सीधी गिरती हैं, इस कारण वहाँ पे तापमान ज़्यादा पाया। इस कारण पृथ्वी पर तापमान में अंतर होने के कारण वायुदाब में अंतर पाया जाता है। अगर पृथ्वी के दो स्थानों के वायुदाब में अंतर होगा, एक स्थान पे ज़्यादा वायुदाब होगा, दूसरे स्थान पे कम वायुदाब होगा, जैसे भूमध्य रेखीय प्रदेशों में सूर्य की किरणें सीधी गिरने के कारण तापमान ज़्यादा हो गया, और तापमान ज़्यादा होने से वायुदाब अपने आप ही कम हो जाता है। कुछ प्रदेश ऐसे हैं जहाँ पे वायुदाब ज़्यादा पाया जाता है, इस कारण ज़्यादा वायुदाब से कम वायुदाब की ओर हवाएं चलना शुरू हो जाती है। तो वायुदाब का संबंध तापमान से पाया जाता है। समस्त पृथ्वी का तापमान अगर एक समान होता तो सारी पृथ्वी पर वायुदाब भी लगभग समान होता, और अगर वायुदाब समान होता तो हवाएं मेघ के बराबर चलती, परंतु समस्त पृथ्वी पर सूर्य की किरणें एक समान रूप से नहीं गिरती हैं, और एक समान रूप से नहीं गिरने के कारण तापमान में अंतर पाया जाता है, और तापमान में अंतर होने के कारण वायुदाब में अंतर पाया जाता है, और वायुदाब में अंतर होने के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर हवाएं चलती हैं। अब मुख्य रूप से ये हवाएं सामान्यतः तीन प्रकार की मानी जाती हैं। एक हवाएं स्थायी हवाएं कहलाती हैं, स्थायी हवाएं या सनातनी हवाएं या गृह हवाएं भी कहा जाता है। पहली हवाएं स्थायी हवाएं, सनातनी हवाएं या गृह हवाएं, ये ऐसी हवाएं होती हैं जो साल भर एक ही दिशा में चलती हैं, उनकी दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होता है, स्थायी रूप से चलती रहती हैं। इन्हें सनातनी नाम से भी जाना जाता है या गृह हवाएं भी कहा जाता है। इन हवाओं की दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होता है, लगातार एक ही दिशा में चलती रहती हैं। ये हवाएं भी अपने क्षेत्र के अनुसार तीन भागों में बांटी गई हैं। एक पहली वाली व्यापारिक हवाएं कहलाती हैं, व्यापारिक हवाएं। ये हवाएं भूमध्य रेखा के दोनों ओर लगभग 25 से 30 डिग्री अक्षांशों के बीच में चलती हैं, उत्तरी गोलार्ध में और दक्षिणी गोलार्ध में। अधिकांशतर पहले नावें इन्हीं हवाओं के सारे चलती थे, इसलिए इसका नाम व्यापारिक हवाओं के नाम से भी जानते हैं। ये हवाएं भूमध्य रेखीय प्रदेश तथा 25 से 30 डिग्री अक्षांशों के बीच में इस प्रदेश के बीच में चलती हैं, और इनकी दिशा होती है उत्तरी गोली, ये उत्तरी गोली, ये न्यू वायुदाब की पेटी और ये उच्च वायुदाब की पेटी। तो इसलिए भूमध्य रेखीय उच्च वायुदाब से विषुवत रेखीय न्यून वायुदाब की ओर ये हवाएं चलती हैं, और इनका नाम है उत्तरी गोली व्यापारिक हवा, उत्तरी गोली व्यापारिक हवा। ये हवाएं उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब से भूमध्य रेखीय न्यून वायुदाब की ओर चलती हैं, तथा दक्षिणी गोलार्ध में ये हवाएं
दक्षिणी गोलार्ध में ये हवाएं दक्षिणी उपोष्णकटिबंधीय उच्च वायुदाब से भूमध्य रेखीय मूल वायुदाब की ओर चलती हैं। इनकी दिशा दक्षिणी पश्चिमी दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक हवाओं के नाम से जाती है। इस प्रकार व्यापारिक हवाएं दो प्रकार की होती हैं, एक होती हैं उत्तरी पूर्वी व्यापारिक हवाएं, उत्तरी पूर्वी व्यापारिक हवाएं, और दूसरी होती हैं दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक हवाएं, दक्षिण पूर्वी व्यापारिक हवाएं। उत्तरी पूर्वी व्यापारिक हवाएं उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब जो लगभग 25 से 30 डिग्री अक्षांशों के बीच में उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है वहाँ से शुरू होती हैं और भूमध्य रेखीय मूल वायुदाब जिसको डोल्ड्रम के नाम से जानते हैं उस क्षेत्र की ओर स्थानांतरित होती हैं, तथा दक्षिण पूर्वी व्यापारिक हवाएँ दक्षिण उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब से शुरू होती हैं तथा भूमध्य रेखीय मूल वायुदाब की ओर स्थानांतरित होती है। इसे इस क्षेत्र को भूमध्य रेखीय प्रदेशों वाले आईपीसी जोन के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रदेश को आईपीसी जोन के नाम से भी जाना इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस अंतरा उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र भी कहते हैं। इस प्रदेश में दोनों गोलार्धों से उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब दक्षिणी गोलार्ध से और उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब उत्तरी गोलार्ध से हवाएं चलकर इस क्षेत्र में स्थानांतरित होती हैं, इस कारण इसका आईटीसी नाम से भी जानी जाती है। दूसरी हवाएं होती हैं पछुआ हवाएं, दूसरी हवाएं पछुआ हवाएं कहलाती हैं। ये हवाएं भी दोनों गोलार्धों में चलती हैं और लगभग 60-65 अक्षांशों से 25-30 अक्षांशों के बीच में उत्तरी गोलार्ध में और उसी तरह से 25-30 डिग्री दक्षिण अक्षांश से 60 डिग्री दक्षिण अक्षांशों के बीच में चलती है। इस प्रदेश में ये वाला प्रदेश और ये प्रदेश, इस प्रदेश में व्यापारिक पछुआ हवाएं चलती हैं। ये भी पछुआ हवाओं का क्षेत्र है और ये भी पछुआ हवाओं का क्षेत्र है। पछुआ हवाएं सामान्यतः उत्तरी गोलार्ध में और दक्षिण गोलार्ध में चलती हैं। ये उत्तरी गोलार्ध में इनकी दिशा दक्षिणी पूर्वी पछुआ हवाएं, दक्षिणी पूर्वी पछुआ हवाओं के नाम से जानी जाती है। ये उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब से शुरू होती है तथा आर्कटिक या उपध्रुवीय न्यून वायुदाब के केंद्र की ओर स्थानांतरित होती है। इनका अधिकांश भाग लगभग ये 25-30 डिग्री अक्षांशों से शुरू होती हैं और 55 और 60 डिग्री अक्षांशों के बीच में चलती हैं। इनकी दिशा ये दक्षिण से चलती हैं तथा पूर्व की ओर चलती हैं। इनकी दिशा दक्षिण पूर्वी नाम से, इसलिए इसे दक्षिण पूर्वी व्यापारी हवाएं कहते हैं। तथा दक्षिणी गोलार्ध में ये हवाएं दक्षिणी उपोष्ण उच्च वायुदाब से शुरू होती हैं तथा उपध्रुवीय न्यून वायुदाब की ओर चलती हैं। दक्षिण में इनकी दिशा उत्तरी पूर्वी होती है, उत्तरी पूर्वी व्यापारिक हवा, उत्तरी पूर्वी पछुआ हवाओं की, सॉरी उत्तरी पूर्वी दक्षिणी पश्चिमी पछुआ हवा। एक बार दोबारा थोड़ा सा इसको साफ करके आपको बताते हैं। दूसरी पछुआ हवाएं कहलाती हैं। पछुआ हवाएं पृथ्वी के दोनों गोलार्धों पर लगभग 25 से 30 डिग्री अक्षांशों से शुरू होती हैं तथा 55 से 60 डिग्री अक्षांशों के बीच में दोनों गोलार्धों में चलती हैं। 25 से 30 डिग्री अक्षांश उत्तरी गोलार्ध से 55 से 60 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में तथा 25 से 30 डिग्री दक्षिण अक्षांश से 55 से 60 डिग्री दक्षिण अक्षांशों के बीच में चलती हैं। इनकी दिशा ये उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब से शुरू होती हैं, उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब से शुरू होती हैं तथा उपध्रुवीय न्यून वायुदाब की ओर जाती हैं। ये दक्षिणी पश्चिमी मानसून या दक्षिणी पश्चिमी पछुआ हवाएं कहलाती हैं।
दक्षिणी पश्चिमी पछुआ और कहलाते हैं, जो अधिकांश है 25 से 30 डिग्री अक्षांश से शुरू हो रहे हैं तथा 55 से 60 डिग्री अक्षांश तक हो चलते हैं तथा दक्षिण में ये हवाएं दक्षिणी उपोष्ण वायु नाम से शुरू हो रही है तथा 55 से 60 डिग्री अक्षांश के बीच में दक्षिणी ध्रुवीय न्यून वायु दाब की ओर चलती है। इनकी दिशा उत्तरी पश्चिमी होने के कारण ये उत्तरी पश्चिमी पछुआ हवाओं के नाम से जानते हैं। ये हवाएं उत्तरी गोलार्ध में थोड़ी धीमी गति से चलती हैं तथा दक्षिणी गोलार्ध में ये हवाएं तेज गति से चलती हैं, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में स्थलीय भार ज़्यादा होने के कारण पर्वत पठार मैदान या अन्य अवरोध होने के कारण इनकी स्पीड थोड़ी घट जाती है, जबकि दक्षिण गोलार्ध में इनकी गति अत्यधिक होने के कारण तथा महासागरीय भाग होने के कारण महासागर में किसी प्रकार का कोई अवरोध नहीं होने के कारण इनकी गति दक्षिण गोलार्ध में ज़्यादा होती है तथा इन्हें गरजने वाली चालीसा, चीखती पचासा तथा साठा के नाम से भी जाने जाती हैं। 40 डिग्री अक्षांशों पर गरजने वाली चालीसा कहते हैं, 50 अक्षांशों पर उसको पचासा कहा जाता है तथा 60 अक्षांशों पर साठा के नाम से जाने जाते हैं और ये पछुआ हवाएं तथा तीसरी होती है ध्रुवीय हवाएं। तीसरी ध्रुवीय हवाएं कहलाती हैं। ये हवाएं ध्रुवीय प्रदेशों के आसपास ही चलती हैं। अधिकांश ध्रुवीय प्रदेशों से ये हवाएं उप ध्रुवीय न्यून वायुदाब की ओर आती हैं। उत्तरी गोलार्ध में ये हवाएं ध्रुवीय प्रदेशों से चलना शुरू हो जाती हैं और उप ध्रुवीय न्यून वायुदाब की ओर चलती हैं। इनकी दिशा उत्तरी पूर्वी होती है, इस कारण इन्हें उत्तरी पूर्वी ध्रुवीय हवाएं भी कहा जाता है। उत्तरी पूर्वी ध्रुवीय हवाएं कहा जाता तथा दक्षिणी गोलार्ध में इनकी दिशा दक्षिणी पूर्वी होती है, इस कारण इन्हें दक्षिणी पूर्वी ध्रुवीय हवाएं कहा जाता है। इस प्रकार स्थायी हवाएं तीन प्रकार की होंगी। एक व्यापारिक हवाएं जो सामान्यतः कर्क और मकर रेखाओं के बीच में चलती हैं, व्यापारिक हवाएं कहलाती हैं तथा उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब से शुरू होती हैं और विषुवत रेखीय न्यून वायुदाब की ओर चलती हैं। उसी तरह से दक्षिण में दक्षिणी उपोष्ण से चलती हैं और विषुवत रेखीय न्यून वायुदाब की ओर चलती हैं। दूसरी हवाएं पछुआ हवाएं होती हैं जो मध्य अक्षांशों में लगभग 25 से 30 डिग्री अक्षांशों से 55 से 60 डिग्री अक्षांशों के बीच में चलती हैं और दोनों गोलार्धों में चलती हैं। उत्तरी गोलार्ध की हवाएं दक्षिण पश्चिम से चलती हैं और उत्तर पूर्व की ओर जाती हैं तथा दक्षिणी गोलार्ध में ये उत्तर पश्चिम से आती हैं तथा दक्षिण पूर्व की ओर जाती हैं तथा तीसरी हवाएं ध्रुवीय हवाएं होती हैं जो ध्रुवीय प्रदेशों पर चलती हैं, उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी ध्रुवीय प्रदेशों से तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण ध्रुवीय प्रदेशों से चलती हैं। दोनों इस प्रकार इनको स्थायी, सनातनी या ध्रुवीय हवाएं भी कहा जाता है। ये हवाएं किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं करती हैं, साल भर एक ही दिशा में चलती हैं और लगातार चलती हैं। दूसरी हवाएँ होती हैं मानसूनी हवाएं। दूसरी हवाएं मानसूनी होती हैं, ऐसी हवाएं जो ऋतुओं के अनुसार या मौसम के अनुसार अपनी दिशाएं परिवर्तित कर देती हैं मानसून कहलाती हैं। मानसून 6 महीने एक दिशा से दूसरी दिशा या साल में 2 बार अपनी दिशाएं चेंज कर देती हैं मानसून कहलाती हैं और मानसूनी हवाएं ऋतुओं के अनुसार चलती हैं। भारत में सबसे ज़्यादा मानसून चलते हैं और मानसून एक अरबी भाषा का शब्द है मौसम, जिसका अर्थ होता है ऋतु, कि ऐसी हवाएं जो ऋतुओं के अनुसार चलती हैं या ऋतुओं के अनुसार अपनी दिशाएं बदल देती हैं मानसून कहलाती हैं। और मानसून भी 2 प्रकार की होती हैं, एक उत्तरी पूर्वी मानसून तथा दूसरी दक्षिणी उत्तरी पूर्वी मानसून और दक्षिणी पश्चिमी मानसून। उत्तरी पूर्वी मानसून और दक्षिणी पश्चिमी मानसून को अपन ग्रीष्मकालीन मानसून भी कहते हैं। जब गर्मी की ऋतु होती है उत्तरी गोलार्ध में, जब गर्मी की ऋतु होती है तो कर्क रेखीय प्रदेशों में
या अधिकांशतः उत्तरी गोलार्ध में सूर्य के उत्तरायण स्थिति होने के कारण अत्यधिक गर्मी पड़ती है और गर्मी पड़ने के कारण उत्तरी गोलार्ध में न्यून वायुदाब के केंद्र स्थापित हो जाते हैं और इस कारण दक्षिण पूर्वी एशिया के कुछ भागों पर जैसे भारत में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, दक्षिणी चीन में, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, इस क्षेत्र में अत्यधिक तापमान के कारण न्यून वायुदाब के केंद्र स्थापित हो जाते हैं और न्यून वायुदाब होने के कारण जबकि अरब सागर पर, बंगाल की खाड़ी पर तथा हिंद महासागर पर उसकी तुलना में उच्च वायुदाब के केंद्र होने के कारण समुद्रों से स्थल की ओर हवाएं चलना शुरू हो जाती हैं और ये हवाएं जून जुलाई के आसपास शुरू हो जाती हैं और इनकी दिशाएं दक्षिण पश्चिमी होने के कारण इस मानसून को दक्षिण पश्चिमी मानसून के नाम से जानते हैं। इसकी भी दो शाखाएं मानी गई है, एक अरब सागर का मानसून है, दूसरी बंगाल की खाड़ी का मानसून तथा दूसरी है शीतकालीन मानसून। जब सूर्य उत्तरी गोलार्ध में धीरे धीरे जब सर्दी की ऋतु आती है मार्च सितंबर अक्टूबर में धीरे धीरे सूर्य दक्षिणी गोलार्ध की तरफ शुरू हो जाता है तो उत्तरी गोलार्ध में इसमें यहाँ पे तापमान की कमी होने लग जाती है और तापमान की कमी होने के कारण यहाँ उच्च वायुदाब के केंद्र बन जाते हैं। जिस समय भारत में, पाकिस्तान, बांग्लादेश, थाईलैंड, वियतनाम, दक्षिणी चीन, नेपाल, भूटान ग्रीष्म काल में जहाँ पे उच्च वायु न्यून वायुदाब के केंद्र स्थापित हो गए थे, सर्दी की ऋतु में वहाँ पे उच्च वायुदाब के केंद्र स्थापित हो जाते हैं और तथा जो हवाएं पहले दक्षिण पश्चिम से रूप में चलती थी वो हवाएं धीरे धीरे अपना रास्ता बदलती हैं और वापस आना शुरू हो जाते हैं, उनका ये उत्तर पूर्व से वापस आना शुरू कर देती हैं, इसलिए इनका नाम उत्तरी पूर्वी मानसून के नाम से भी जानते हैं, इसे शीतकालीन मानसून भी कहते हैं। ये हवाएं स्थलीय प्रदेशों से आने के कारण ज़्यादा बरसात नहीं करती हैं और ये अधिकांशतः भारत के कोरोमंडल तट पर या मद्रास के तट पर सर्दियों में वर्षा करती हैं। तो दूसरी इस तरह से मानसून हवाएँ कहलाती हैं। एक हवा आपको बताया कि स्थायी होती हैं जो साल भर एक ही दिशा में चलती हैं, दूसरी हवाएं ऐसी होती हैं जो ऋतुओं के अनुसार साल में दो बार अपनी दिशाएं बदल देती हैं, दूसरी मानसून कहलाती हैं और तीसरी हवाएं स्थानीय हवाएं कहलाती हैं। तीसरी स्थानीय हवाएं जो संसार के सभी क्षेत्रों में नहीं चलती, कहीं कहीं चलती हैं और किसी स्थान विशेष पर ही चलती हैं और स्थान विशेष पर चलने के कारण इसे स्थानीय हवाएँ भी कहा जाता है। अपन सबसे पहले अपने एरिया का नाम, जैसे राजस्थान के थार मरुस्थल में गर्मी के अंदर लू चलती हैं तो लू का मतलब हो गया कि ऐसी गर्म और शुष्क हवाएं जो मई जून में थार मरुस्थल से दिल्ली की ओर चलती हैं तो उनको लू कहा जाता है। इसी प्रकार अन्य हरमाटन, बिलजार्ड, गोरा, मिश्रा, डॉक्टर, ऐसी कई प्रकार की कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे ये हवाएं चलती हैं। तो ऐसी हवाएं जो किसी स्थान विशेष पर ही चलती हैं स्थानीय हवाओं के नाम से जानते हैं। इस प्रकार आज हम सामान्य जानकारी की हवाएं तीन प्रकार की होती हैं। एक हवाएं स्थायी रूप से चलती हैं जिसे स्थायी हवाएं भी कह सकते हैं या उनको सनातनी हवाएँ भी कह सकते हैं या उनको गृह हवाएँ भी, ये लगातार चलती हैं, उनकी दिशा में कोई चेंज नहीं होता है लगातार। दूसरी हवाएं व्यापारिक हवाएं होती हैं जो भूमध्य रेखीय प्रदेश या कर्क और मकर रेखीय प्रदेशों के बीच में चलती हैं और तीसरी हवाएं ध्रुवीय हवाएं कहलाती हैं जो ध्रुवीय प्रदेशों के बीच में चलती हैं। अरे यार बलबीर जी, बलबीर